हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम अटर एसेंशियल विजिट सीरीज में रैप विजिट को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि रैप विजिट हम क्यों यूज करते हैं और हम हमारे पास इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले रैप विजिट है क्या चीज? रैप विजिट हमारे पास ये अलाइनमेंट्स है हमारे पास विजिट्स इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैनर। जिस तरह हम रोज कॉलम यूज करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम इसमें भी हमारे पास ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होती है रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में। जिस तरह हमारे पास रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स होती थी लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस की, उसी तरह बिल्कुल सेम हमारे पास रैप विजिट में भी सेम इसी तरह की अलाइनमेंट होती है लिस्ट ऑफ विजिट स्कीम। तो यहाँ पे अगर हम देखें रैप विजिट्स अलाइन द विजिट्स इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो। जनरली वी यूज रोज एंड कॉलम टू डू दैट, बट इफ वी हैव सम विजिट्स व्हिच आर नॉट एबल टू फिट इन द रो एंड कॉलम देन इट विल गिव अस आवर फ्लो मैसेज। फॉर एग्जाम्पल राइट आवर फ्लो बाई 750 या 570 पिक्सल। तो इसमें हमारे पास तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ मतलब ये और फ्लो मैसेज मतलब ये किस टाइम हमारे पास यूज में आती है और हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको मतलब देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल हमने स्केपल विजिट है जिसमें हमारे पास एक बार है जिसके अंदर हमारे पास एक टाइटल है और एक हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर में हमारे पास क्या है अलाइनमेंट हुई है और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है एक मतलब एक विजिट मैंने निकाल किया और ये विजिट हमारे पास बेसिकली एक कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, पेडिंग थोड़ी सी दी हुई है और एक टेक्स्ट विजिट जो है ना उसको मतलब थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह 20 फॉन्ट साइज 20 और कलरिंग वाइट देखें ताकि हम थोड़ा सा सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये एक विजिट है, इसको मैंने मतलब कॉल किया हुआ है। तो अब हम क्या करते कि पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रो ऐड कर लेता हूँ। अब अगर रो में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 बटन्स ऐड हो गए हैं। तो या हम कॉलम में देखें तो कॉलम में भी हमारे पास यहाँ पे 3 बटन जो है ना हमारे पास वर्टिकली अलाइनमेंट हुई है। तो अगर हम रो में देखें तो रो में हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स होती है एक लिस्ट ऑफ विजिट स्कीम। हमारे पास यहाँ पे 3 विजिट लिस्ट ऑफ विजिट है तो हमारे पास यहाँ पे तीन जिसको मैंने नाम दिया मतलब एक तो कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है बटन 01 बटन, यहाँ पे हम 02 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 03 कर लेते हैं। अब वो क्या होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक और बटन भी आ गई तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा है? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा अरेंडर फ्लेक्स अवर फ्लोट बाई 38 पिक्सल। तो हमारे पास यहाँ पे 38 पिक्सल की मतलब अवर फ्लोट अरेंडर फ्लेक्स और फ्लोट हमारे पास एक एरर आया 38 पिक्सल के, इसके लिए मतलब फोर्थ बटन के लिए 38 पिक्सल की स्पेस जो है ना वो कम हो रही है राइट साइड पे। तो इस चीज़ को हम किस तरह मतलब अवॉइड कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम स्टैक यूज करते हैं। लेकिन स्टेक यूज करने से पहले आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने जो हमने पहले एक कुछ वीडियोस बनाई हुई है रोज एंड कॉलम पे एक वीडियो बनाई हुई है तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग काइंडली पहले वो देख ले, तब आप लोगों को जो है ना सॉरी यहाँ पे रेप विजिट जो है ना सही आप लोगों को मतलब समझ में आएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पहले रोज एंड कॉलम वाली वीडियो देखे फिर आप लोगों ने इस वीडियो पे जो है ना प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे हम रैप यूज करते हैं तो रैप में हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन डायरेक्शन है ना डायरेक्शन हमारे पास क्या किस इसका टाइप क्या है? तो इसका टाइप हमारे पास एक्सिस है एक्सिस डॉट। अब इसकी बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है ना हमारे पास पहले हम इसको रन कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी जो है ना हमारे पास एक्सिस जो है ना डायरेक्शन की एक्सिस हमारे पास कौन सी है हॉरिजॉन्टल है ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो है ना हमारे पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। तो अब अगर हम रो देखें तो रो में हमारे पास वहाँ पे एरर आ गया था। तो अब क्या करता है कि जब मतलब स्पेस कम होती है ना तो वो अपने नेक्स्ट चिल्ड्रन को जो है ना वो नेक्स्ट रो में जो है ना
इसको मतलब भेज देती है, मतलब एलाइन रख देती है, प्लेस कर देती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको वर्टिकल देखें तो वर्टिकल में हमारे पास ये इस फॉर्मेट में आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे कुछ, अगर हम यहाँ पे वो कर ले तो हमारे पास जैसी और फ्लो होगी ना, तो और फ्लो के बजाय वो नेक्स्ट कॉलम में जो है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन जो है ना एक्सिस डॉट वर्टिकल रखा हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ एक्टिंग करे, यहाँ पे हमारे पास जस्ट लाइक कॉलम जो है ना, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना, हमारे पास कॉलम जो है ना एक्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंड कॉलम में जो है ना, हमारे पास जो मतलब एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास सेकेंड कॉलम में जो है ना हमारे पास एडजस्ट हो गए, प्लेस हो गए। तो ये हमारे पास इसकी जो एक मेन मतलब वो है हमारे पास डायरेक्शन, हमारे पास ये एक्सिस, हम वर्टिकली भी अगर हम वर्टिकल करें तो ये हमारे पास एज ए कॉलम जो है ना एक्टिंग करेंगे, मतलब प्लेसिंग होगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो हम जस्ट लाइक हमारे पास रो जो है ना ये इसकी एक्टिंग होगी। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में इस तरह आएगी, तो फर्स्ट रो मतलब फिर सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसी तरह हमारे पास मतलब इंक्रीज होती जाएगी। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। और इसके हमारे पास एक मेन प्रॉपर्टी हमारे पास लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन है, जिस तरह हमारे पास फोर्थ एंड कॉलम में होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी इसकी चिल्ड्रन है, जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन हम ले लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे इसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन भी हमने स्टडी कर लिया, कि डायरेक्शन में हमारे पास एक्सिस होते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है ना हमारे पास अपनी चिल्ड्रन को की अलाइनमेंट्स करते हैं, कि मतलब वर्टिकली एज ए कॉलम कॉलम की तरह हमने प्लेसमेंट करनी है, या वर्टिकली हॉरिजेंटली हमने रो की तरह प्लेसमेंट करनी है। तो आगे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट्स की। तो अलाइनमेंट्स प्रॉपर्टी क्या करती है कि वो अपने मतलब जो चिल्ड्रंस होती है ना, जितनी भी चिल्ड्रंस होती है ना उसकी अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट्स हमने कहाँ पे रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले तो हम यहाँ पे कुछ मतलब बाकी जो एक्स्ट्रा वो है ना, हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, ये कंटेनर विजेट हमारे पास, तो इसको हम सेंटर कर लेते हैं। अब कंटेनर विजेट को हम क्या करते हैं कि विड्थ दे देते हैं, हाइट दे देते हैं इसको हम 400, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कलर भी देते हैं, कलर्स डॉट रेड, ताकि हमें एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब समझ आ जाए। अब अगर हम अलाइनमेंट यहाँ पे रिमूव कर ले तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल टॉप सेम। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास अलाइनमेंट इसकी क्या है, अलाइनमेंट हमारे पास टॉप टॉप लेफ्ट, ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी अलाइनमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहते तो हम सेंटर पे भी कर सकते हैं, अगर ये बिल्कुल हमारे पास सेंटर पे आ गया तो टॉप सेंटर पे भी हम कर सकते हैं, तो हमारे पास ये टॉप सेंटर पे, और टॉप राइट पे भी हम कर सकते हैं तो टॉप राइट पे, और हम एंड पे भी सॉरी एंड यानी, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, या बॉटम लेफ्ट लेफ्ट बॉटम राइट, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट ये इसकी चिल्ड्रंस की जो है ना हमारे पास कहाँ पे इसकी अलाइनमेंट होगी, मतलब बॉटम लेफ्ट कहाँ पे होगी, तो वो हम मतलब देख सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एक रन अलाइनमेंट होती है, और एक हमारे पास होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। अब हम रन अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, बेसिकली हमने जो रो में डिस्कस किया हुआ है, तो रो में हमारे पास एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है और एक हमारे पास होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। हाँ, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, हमारे पास वही क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास रेप जो है ना एज अ रो जो है ना हमारे पास एक्टिंग करे, तो रो में हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकली होती है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट पहले देखते, तो हमारे पास यहाँ पे रेप क्रॉस अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको स्टार्ट कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट पे, अब अगर हम यहाँ पे सेंटर कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास वर्टिकली होती है, तो वर्टिकली हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट रेप एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास, अब अगर हम एंड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे चलो पहले हम
रन को देख लेते हैं। अरे अलाइनमेंट डॉट, अब अगर हम यहाँ पे सेंटर कर लेते तो हमारे पास यहाँ ये सेंटर पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये हमने यहाँ पे जो है ना हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस एक्सेस रन एक्सेस अलाइनमेंट जो हमारे पास है ना, एक तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक अलाइनमेंट है, ठीक है। अब रेप रेप अलाइनमेंट डाटा, अब अगर हम इसको स्टार्ट रखें तो हमारे पास ये स्टार्ट में होगा, अगर हम इसको एंड पे रखें तो हमारे पास ये एंड पे होगा। तो एक तो हमारे पास अलाइनमेंट हो गई और एक हमारे पास हो गई रन अलाइनमेंट। तो रन अलाइनमेंट हमारे पास बेसिकली ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट और रन अलाइनमेंट हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का काम करती है। तो यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास अगर हम इसको एंड कर ले तो हमारे पास बिल्कुल ये एंड पे, क्योंकि ये रेप फिजिट अभी हमारे पास एक्टिंग एज ए रो कर रही है, तो हमारे पास ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको वर्टिकल कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास रन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास क्या पे किस तरह होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रही है। अब अगर हम इसको स्टार्ट कर ले तो स्टार्ट में हमारे पास लेफ्ट टू राइट यहाँ पे है, तो ये हमारे पास रन अलाइनमेंट जिस तरह हम रोज एंड कॉलम में देखते हैं ना कि हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास अपोजिट होती है और मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास अगर रो है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली होगी, अगर कॉलम है तो वर्टिकली होगी। तो यहाँ पे अगर कॉलम है तो हमारे पास अगर कॉलम है तो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी, अगर रो है तो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना हमारे पास लेफ्ट टू राइट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एज इन कॉलम एक्ट करी तो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर लें तो स्टार्ट में हमारे पास बिल्कुल टॉप से होगा। तो होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। रन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्रॉस एक्सिस में अलाइनमेंट का काम करती है और अलाइनमेंट हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट का काम करती है। तो अगर हमारे पास वर्टिकल है तो हमारे पास ये जो है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम और रन एक्सिस अलाइनमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है मीन्स कि ये हमारे पास एज ए रो काम कर रही है, तो फिर हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना हमारे पास ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी, बिल्कुल मतलब रो की तरह हमारे पास उसका रिएक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे हमारे पास अब हम यहाँ पे अगर स्पेस अराउंड जिस तरह हमने वो देखे थे कि हमारे पास स्पेस अराउंड के फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि हमारे पास अभी ये रो है एज एन रो काम कर रही है रेप पीजिट, तो हमारे पास यहाँ पे टॉप टू बॉटम के बॉटम से और टॉप से जो है ना इसकी इक्वल स्पेस जो है ना मतलब डिवाइड होगी, इक्वल स्पेस इसको साइन होगी। तो अगर हम स्पेस बिटवीन कर लें, स्पेस बिटवीन में हमारे पास बिल्कुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब इसके बीच में जो है ना हमारे पास जो स्पेस है ना वो हमारे पास फुली इसको साइन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे सेंटर कर ले तो सेंटर में हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगी। अब हम रेप पीजिट को देखते रहते हैं, स्पेस बिटवीन अगर हम कर ले तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एज ए रो काम करी तो स्पेस बिटवीन हमारे पास ये लेफ्ट राइट जो है ना इसको इक्वली स्पेस जो है ना असाइन हो जाती है। अगर स्पेस अराउंड कर लें यहाँ पे तो स्पेस अराउंड में हमारे पास यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वली स्पेस जो है ना इसको साइन हो जाती है। तो रन अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आप लोगों को, तो हमारे पास रन अलाइनमेंट जो होती है ना वो बेसिकली क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है रे फिजिक्स में, और अलाइनमेंट जो होती है ना हमारे पास वो ये जो हमारे पास अलाइनमेंट होती है वो हमारे पास बेसिकली मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है, जिस तरह हमारे पास रोज एंड कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है। तो हम नेक्स्ट जाते हैं, अब स्पेसिंग है, स्पेसिंग हमारे पास इसको हम टॉप पे लेके जाते हैं क्योंकि हमारे पास ये अब स्पेसिंग है हमारे पास, तो स्पेसिंग हमारे पास बेसिकली हम स्पेस इसको असाइन करते हैं। तो स्पेस अगर हम देखें तो अभी हमारे पास एक्सिस जो है ना हॉरिजॉन्टल है, तो हमारे पास स्पेसिंग कहाँ पे होगी, लेफ्ट और राइट जो है ना इसको हम स्पेस दे सकते हैं। अब अगर हम 30 दे दें तो 30 उसको असाइन हो जाएगा। अब अगर हम रन स्पेसिस की बात करें तो रन स्पेसिस हमारे पास ये टॉप टू बॉटम, क्योंकि हमारे पास ये रो है तो रो में हमारे पास ये अपोजिट साइड में, अब अपोजिट साइड पे अगर हमने देखे तो हमारे पास टॉप टू बॉटम जो है ना
उसके टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे उसको कुछ मतलब हम स्पेसिंग असाइन कर लेते हैं। अब अगर हम स्पेसिंग को यहाँ पे रिमूव कर लें और यहाँ पे हम वर्टिकली कर लें, तो वर्टिकली हमारे पास ये आते हैं। अब वर्टिकली में हमारे पास स्पेसिंग जो है ना, स्पेसिंग हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप और बॉटम साइड पे जो है ना हम उसको स्पेस असाइन कर लेते हैं। अब ये देखिए, टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे स्पेस असाइन होती है। अगर हम रन स्पेस की बात कर ले, तो रन स्पेस में हमारे पास कहाँ पे लेफ्ट टू राइट हमारे पास है, क्योंकि अभी हमारे पास मतलब विजिट थोड़े से कम है, तो हम एक और भी विजिट ऐड कर लेते हैं, कुछ और भी ऐड कर लेते तो हमारे पास ये आ गई। अब अगर हम यहाँ पे स्कैन कर ले, तो हमारे पास ये देखो, अब ये क्या एज ए कॉलम मतलब एक्टिंग हो रही है, एज ए कॉलम काम कर रही है। अरे विजिट, तो हमारे पास रन स्पेसिस क्या है, लेफ्ट और राइट है, और स्पेसिंग हमारे पास क्या है, कहाँ पे टॉप और बॉटम पे जो है ना साइन हो रही है। तो बिल्कुल इस तरह हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, इस तरह हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट और रन अलाइनमेंट है, तो हमारे पास स्पेसिंग और रन स्पेसिंग हमारे पास बिल्कुल अपोजिट साइड पे होती है। तो स्पेसिंग अगर हम देखें, तो वी कैन गिव स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन, बिटवीन द चिल्ड्रन, और वी कैन गिव रन स्पेसिंग बिटवीन रन। अब हम आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन और टेक्स्ट डायरेक्शन में। अब अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास होती है, वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे अप्स एंड डाउन दो दो वेजेस होती है, कि अप से हमारे पास टॉप होती है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास अप से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे कोई वो नहीं है, इसको हम फिर थोड़ा सा वो कर लेते, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर हम डाउन कर ले, तो डाउन में हमारे पास ये नीचे से स्टार्ट होती, सॉरी ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल है। तो ये हमारे पास किस तरह एज ए कॉलम एड काम करे, तो हमारे पास ये डाउन से अगर स्टार्ट हम कर लेते, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें, तो बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास डाउन से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम अप कर लें, तो ये हमारे पास ये नीचे से 0 1 2 3 3 3 और 3, फिर ये नीचे से स्टार्ट होती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो इस तरह की डायरेक्शन में हमने इसको मतलब अलाइनमेंट करने के स्टार्टिंग की दर से होनी है। अब अगर हम कोई और विजिट हम यहाँ पे ऐड कर लें, तो ये देखिए हमारे पास ये नीचे से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डाउन कर लें, तो डाउन में हमारे पास अगर हम एक और विजिट ऐड कर लें, तो ये हमारे पास ऊपर से जो है ना हमारे पास फ्लो चल मतलब ऊपर से फ्लो आ रही है, ऊपर से नीचे फ्लो जा रही है। डाउन में हमारे पास ऊपर से नीचे फ्लो जाती है, और अप में हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन, अप में हमारे पास नीचे से बॉटम से जो है ना टॉप डायरेक्शन पे जो है ना फ्लो जाती हैं। और इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन अगर हम देख लें, तो टेक्स्ट डायरेक्शन में हमारे पास लाइन थ्रू अगर हम यूज कर ले, टेक्स्ट डायरेक्शन में हमारे पास लेफ्ट टू राइट होते हैं, या लेफ्ट टू राइट होते हैं हमारे पास, या राइट टू लेफ्ट होते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में हम सिर्फ सिंपली जिस तरह हमने डायरेक्शनलिटी में डिस्कस किया, कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट, एक हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन होती है, और एक हमारे पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है। तो हॉरिजेंटल में हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन, और वर्टिकल में हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम वर्टिकल डायरेक्शन यूज करेंगे, कि फ्लो हमारे पास टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप फ्लो होगा, तो उसके लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन मतलब उसको अप्स एंड डाउन करेंगे। अगर हमने राइट टू लेफ्ट मतलब डायरेक्शन को डिसाइड करना, तो वहाँ हम टेक्स्ट डायरेक्शन से इसको डिसाइड कर लेंगे। तो दिस प्रॉपर्टी अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी टेक वर्टिकल डायरेक्शन इज द ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी डिसाइड इन ऑर्डर विच इन विच इच चिल्ड्रन विच विजिट विल बी पेंटेड ऑन द स्क्रीन इन अ वर्टिकल सेंस। तो सेम हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन भी हमने देख लिया।